शराब की शौकीन। एक समय में इनको कहा जाता था बिना अल्कोहल के तो ये रह ही नहीं सकती। जी हाँ, कई रिलेशनशिप रहे, कई लोगों के साथ नाम जुड़ा, हमेशा सुलझा बिटोरी अपने बिहेवियर को लेकर, अपने कल्चर को लेकर, अपने परिवार को लेकर। महेश भट्ट की बेटी पूजा भट्ट को कौन नहीं जानता, जिन्होंने सुर्खियां अपने पापा के लिए ही बिटोर दी थी कि उनके पापा उनको किस करना चाहते हैं। और स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम न्यूज में, और एक बार फिर से मैं आपके साथ सादिका कौर। आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ क्यों, क्या आखिर रणवीर शेरी ने पूजा भट्ट की पिटाई क्यों की थी, क्यों की थी पूजा भट्ट की पिटाई। जी हाँ, ये सच है, पूजा भट्ट को खूनम खून हो गई थी। आखिरकार पूजा भट्ट ने पुलिस स्टेशन में जाके रणवीर शेरी के खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर कराई थी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में, तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बॉलीवुड में फिल्मों की वजह से काम और अपनी पर्सनल जिंदगी की वजह से सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहने वाली अभिनेत्रियों में पूजा भट्ट का भी नाम शामिल है। बता दें, पूजा भट्ट सबसे ज्यादा सुर्खियों में तब आई थी जब रणवीर शेरी के साथ उनके प्यार की खबरें दुनिया के सामने आने लगी थी। प्यार तो समझ में आया, मगर लड़ाइयां इतनी हुई कि खून निकल आया और बात पुलिस तक पहुंच गई। चलिए जानते हैं आखिर क्या था ये किस्सा। ये बात तब की है जब इन दोनों की मुलाकात फिल्म जिस्म की शूटिंग के दौरान हुई। इस फिल्म का जहां पूजा भट्ट निर्देशन कर रही थी, वहीं रणवीर इस फिल्म में अभिनेता जॉन इब्राहिम के दोस्त का किरदार निभा रहे थे। बस यहीं से ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए और एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने लगे। हमेशा फिल्म के सेट पर साथ आना, साथ जाना और वैनिटी वैन में घंटों समय बिताना, ये सिलसिला चलने लगा था। धीरे धीरे पूजा भट्ट और रणवीर एक दूसरे की दुनिया बन गए और लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। मगर इन दोनों का ये रिश्ता पूजा भट्ट के भाई राहुल भट्ट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। बावजूद इसके पूजा भट्ट और रणवीर शेरी एक दूसरे के साथ रह रहे थे। पूजा की आंखों में बंधी प्यार की पट्टी उस दिन उतरी जब रणवीर ने पूजा पर हाथ उठाया। कहा जाता है कि पूजा भट्ट रणवीर शेरी की नशे की लत से काफी परेशान थी। नशे की हालत में रणवीर पूजा भट्ट को फिजिकली अब्यूज किया करते थे, उन्हें मारा करते थे। वहीं एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू में पूजा भट्ट ने बताया था कि एक रात रणवीर शेरी शराब पीकर उनके घर आए थे। शराब के नशे में होते हुए भी उन्होंने रणवीर को घर में अंदर आने की इजाजत दी, मगर घर में घुसते ही रणवीर ने बिना कारण पूजा को मारना शुरू किया। उसी दौरान पूजा की लीलावती हॉस्पिटल में एक सर्जरी हुई थी और रणवीर ने उन्हें उसी जगह मारा था, जिस वजह से उस जगह से खून बहना शुरू हो गया था। जब पूजा दर्द से चिल्लाने लगी तो घर में सो रहे पूजा के भाई राहुल भट्ट वहां आ पहुंचे और बीच बचाव करने लगे, लेकिन रणवीर ने तहस में आकर पूजा के भाई राहुल को भी मारा। इसके बाद पूजा भट्ट ने पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखवाई थी, मगर इससे हटकर रणवीर ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि हर दिन की तरह उस दिन भी पूजा के घर पर थे और उन्होंने पूजा के साथ अपने रिश्ते को तोड़ने का तय कर लिया। इसके लिए रणवीर ने अपने बैग पैक कर लिए और अपनी कार में बैठने लगे। रणवीर अपना एक बैग भूल गए थे और इसलिए वो पूजा भट्ट को कॉल कर रहे थे, मगर पूजा ने उनका फोन नहीं उठाया। जब रणवीर अपनी गाड़ी से नीचे उतरे तो उन्हें अपनी गाड़ी के शीशे टूटने की आवाज आई। जब रणवीर ने गाड़ी के पीछे जाकर देखा तो राहुल आयरन रोड लिए खड़े थे। इससे पहले रणवीर को समझ पाते राहुल ने उन्हें मारना शुरू कर दिया। इसके बाद रणवीर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने सुबह राहुल को गिरफ्तार कर लिया था। एक इंटरव्यू के दौरान पूजा ने बताया था कि रणवीर को मैंने जी जान से प्यार किया, लेकिन उसने बदले में क्या दिया, वो शराब पीने का आदी था और शराब पीकर मेरे साथ मारपीट करता था। आखिरकार मुझे
उससे रिश्ता तोड़ना पड़ा। वहीं रणवीर ने एक इंटरव्यू में कहा था, हाँ मैं शराब पीने का आदी था, उसके बाद मैं एग्रेसिव हो जाता था, लेकिन पूजा तो बिना पिए ही वायलेंट हो जाती थी। पूजा भट्ट और रणवीर के प्यार ने जितनी सुर्खियां नहीं बटोरी, उससे ज्यादा उनके ब्रेकअप ने सुर्खियां बटोरी, क्योंकि ब्रेकअप के बाद इन दोनों ने एक दूसरे को जमकर आरोप लगाए। उसके बाद पूजा भट्ट ने साल 2003 में विजय मनीष मखीजा से शादी कर ली, मगर ये शादी 11 साल बाद 2018 में टूट गई और दोनों का तलाक हो गया। वहीं एक इंटरव्यू में बॉलीवुड एक्टर रणवीर शेरी ने एक आर्टिकल को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए एक्ट्रेस पूजा भट्ट और उनके निर्माता निर्देशक पिता महेश भट्ट को लेकर अपनी बात कही। दरअसल एक ट्विटर यूजर ने रणवीर शेरी को ट्वीट का टैग करते हुए पूछा किस आर्टिकल पर उनकी क्या राय है। बता दें आर्टिकल की हेडिंग ये थी कि पूजा भट्ट रणवीर शेरी के साथ अब्यूजिव रिलेशनशिप में थी। वहीं इंस्टाग्राम यूजर ने कहा कि ये पिया स्टोरीज कब खत्म होगी। रणवीर शेरी ने कहा कि ये लोग बहुत शक्तिशाली लोग हैं, ये सालों से मुझे परेशान कर रहे हैं। कोई मीडिया का शख्स पुराने रिकॉर्ड और पुलिस रिपोर्ट्स को उठाकर नहीं देखेगा, नहीं तो लोग ऐसी रिपोर्ट नहीं छापते। इन्हें नहीं पता है कि पूजा भट्ट और महेश भट्ट और उनके परिवार ने मुझे भी प्रताड़ित किया है। इतना ही नहीं, एक इंटरव्यू में रणवीर शेरी ने यहाँ तक कहा कि साल 2002 से लेकर 2005 के बीच वो देश से बाहर जाने को मजबूर हो गए थे। वजह यही थी कि उनको लेकर इतनी ज्यादा कड़वाहट भर दी गई थी कि उनका यहाँ रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। उन्होंने बताया कि उनके खिलाफ जो लोग काम कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे। यही नहीं, रणवीर शेरी ने फिल्म सोन चिड़िया के समय भी नकारात्मक प्रचार कराने को लगातार एक शख्स को निशाना बनाकर पीआर अभियान चलाने का भी आरोप लगाया। इस आर्टिकल को लेकर भी उन्होंने कहा कि आर्टिकल भी वैसा ही लगातार पीआर करने के नतीजे से है। वहीं रणवीर शेरी ने इस पर एक कदम आगे बढ़ाते हुए पूजा भट्ट से शादी करने वाले शख्स मनीष मखीजा की तस्वीरें शेयर करते हुए कहा था कि कभी ये शख्स मेरा दोस्त हुआ करता था, लेकिन बाद में इसकी तस्वीर और मेरी तस्वीर बताते हुए मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई। यही नहीं, इस घटना के बाद इसी शख्स ने पूजा भट्ट से शादी की। ये सारे रिश्ते मैन्युपुलेटिव होते हैं। बता दें साल 2003 में पूजा भट्ट ने मनीष मखीजा से शादी की थी, लेकिन साल 2014 में दोनों का अलगाव हो गया, लेकिन अभी भी कानूनी तौर पर दोनों ने तलाक नहीं लिया है। वर्क फ्रंट की बात करें तो पूजा भट्ट की सड़क 2 रिलीज हुई थी, लेकिन इसमें उन्होंने केवल आवाज दी है और उनकी तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है। पूजा ने एक्टिंग में वापसी नहीं की। जी हाँ, पूजा भट्ट और रणवीर का रिलेशनशिप भले ही कुछ समय का रहा हो, लेकिन पूजा कहती है कि वो रणवीर शौरी से बहुत प्यार करती थी, वो उनके बिना रह भी नहीं सकती थी, हालांकि रणवीर भी करती थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, दोनों का नेचर बहुत ज्यादा सेम था। जितनी वायलेंट पूजा भट्ट थी उतने ही वायलेंट रणवीर भी थी। रणवीर हर समय पूजा के साथ उनके घर पर रहते थे। राहुल भट्ट को ये बात पसंद नहीं आती थी, जो कि पूजा भट्ट के भाई हैं। रणवीर ने इल्जाम लगाया कि राहुल ने उनके साथ मारपीट की, वहीं पूजा ने इल्जाम लगाया कि रणवीर ने उनके साथ मारपीट की। सच्चाई क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन ये सब जानते हैं कि महेश भट्ट का परिवार बहुत स्ट्रांग है और कई सालों से बॉलीवुड में है, और जिन्होंने रणवीर को इतना कामयाब भी नहीं होने दिया। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।